श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, अभी हम एक वास्तु टूर कर रहे हैं लोकल बड़ौड़ा के अंदर। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी फैमिली, रिचेस्ट फैमिली है, उनके वहाँ पे हमने एक विजिट की। उनकी विजिट के दौरान हमें यहाँ पे वास्तु एनालिसिस करते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर को पूरा टूर करते हैं, सेकंड फ्लोर को टूर करते हैं, फर्स्ट फ्लोर को टूर करते हैं, एक एक कोना देखा जाता है वास्तु के अंदर। अगर हम इंस्ट्रूमेंट से भी अगर जब भी एनर्जी स्कैन करते हैं तब भी, या फिर इंस्ट्रूमेंट बिना भी जब भी हम वास्तु कंसल्ट करते हैं, पर हम प्रत्यक्ष जोन को देखते हैं, हॉल को देखते हैं, बेडरूम को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारी वास्तु दोष वाली चीज़ें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अभी हम इनके नॉर्थ जोन में हैं, तो नॉर्थ जोन के अंदर देखिए इन्होंने यहाँ पे बहुत ही स्टोरेज किया है शूज का। यानी नॉर्थ में जब भी आप कपड़े मीन्स शूज रखोगे, आपके जूते चंपल रखोगे, तो नॉर्थ डिस्टर्ब होगा। और नॉर्थ है बुध प्लेनेट, बुध ग्रह का कारक है, यानी यहाँ पे हेल्थ इश्यू आएंगे खास करके लेडीज को, और यहाँ पे जो धन कमाने के नए नए अवसर है वो यहाँ पे प्राप्त नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम करते हैं कि मछली के नॉर्थ दिशा है तो वहाँ पे ग्लास लगा दीजिए मछलियों का, तो ये बहुत ही गलत किया है इन्होंने। इन्होंने मछली वाली पेंटिंग लगाई हुई है, पर उन्होंने वो लगाई है पूरी शौचालय के मेन एंट्रेंस पे। तो जैसे इधर अभी मछली अंदर चल जा रही है, तो शौचालय के अंदर विष्णु भगवान का एक रूप मस्त रूप भी है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी आ रही है। मछली अभी आप देखोगे तो बेडरूम टॉयलेट के अंदर जा रही है, और नॉर्थ डायरेक्शन में इनकी टॉयलेट है। तो ये भी कई घरों में हमने देखा है कि इस तरह का वास्तु दोष होता है। तो कृपया ये वीडियो बनाने का एक ही महत्व है कि आप अपने घर के अंदर बिना वास्तु कंसल्ट किए, बिना कोई भी प्रकार की सिंबॉलिक रेमेडी मत लगाइए, कोई भी चित्र मत लगाइए, किसी कंसल्टेंट से पूछिए। तो यहाँ पे नॉर्थ के अंदर शौचालय वो तो वास्तु दोष है ही, साथ ही यहाँ पे शूज रैक जहाँ पे आपको जगह मिलती है वहाँ पे आप सब कुछ रख देते हो। घर नहीं, ये घर आप समझते नहीं हो, स्टोरी समझते हो। जब तक आपको घर की पूरी वैल्यू नहीं होगी तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। और हम क्या करते हैं, पैसा आ गया, मकान आ गया, गाड़ी आ गई, मोबाइल आ गया, और दो चार वर्ल्ड टूर कर ली, छोटी बड़ी छुट्टियां बना ली, कहीं पे जाके हॉलीडे करके हम सुखी है ऐसा समझते हैं, बट ये जिंदगी नहीं है। आपका सुखी होना पूरी अलग बात है। आपके घर के अंदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, चाहे वो आपके रिलेटिव यानी मीन्स कोई भी हो, उनकी हेल्थ भी आपके लिए सुख का एक परिभाषा है। अगर वो डिस्टर्ब है, आपके माता पिता डिस्टर्ब है हेल्थ के हिसाब से, आपके नानी डिस्टर्ब है, आपके दादा डिस्टर्ब है, तो वो सुख कहाँ का गिना जाएगा। हम खुद इतने सेल्फिश हो चुके हैं कलयुग के अंदर कि बस मुझे अच्छा है ना तो हम सुखी है, पर ऐसा नहीं होता, फैमिली लेके चलना पड़ता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर भी रखा हुआ है, पॉट रखा हुआ, ये भी नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। इसको यहाँ से हमें रिमूव करेंगे, ये नहीं चलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो अग्निकोण के अंदर भी उन्होंने एक शौचालय का आयोजन किया हुआ है, पूरा यहाँ पे वॉशरूम है। तो ये भी एक वास्तु की परिभाषा में आता है, यहाँ पे अग्निकोण के अंदर ये नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज जब आप देखेंगे तभी आपको वास्तु की परिभाषा पता चलेगी। वास्तु का मतलब ये नहीं है तोड़फोड़, वास्तु का मतलब ये है प्लेसमेंट, अच्छी चीज अच्छी जगह रखो, नकारात्मक चीज घर से बाहर निकालो। अब हम यहाँ की ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स। इनका ये एक गेस्ट बेडरूम है, और यहाँ पे कभी कभी वो क्लाइंट सो भी जाते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इनकी वास्तु एनालिसिस की तो घर में ऐसी कंप्लेन थी कि हमारे मिसेस थोड़े हेल्थ इश्यू है। तो यहाँ पे आप देखिए एक मिरर है, इस मिरर के अंदर आपको देखना है कि यहाँ पे एक लेडी का चित्र है, वो देखो कितना कटा हुआ है, कहीं पे उसके हाफ हाफ वो नहीं है, हाफ बॉडी नहीं है, कहीं पे सिर के नीचे वाला पोर्शन नहीं है, और कहीं पे वापिस इसका मुंह नहीं है। तो ऐसी कोई भी चित्र अगर घर के अंदर आप लगाओगे तो समझिए कि आपके घर के अंदर एक तो सिंगल लेडी की चित्र नहीं होनी चाहिए, पिक्चर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एकलता का योग आता है। और साथ ही साथ ऐसी इस तरह से अगर आप पिक्चर लगाओगे और बेडरूम के अंदर मिरर के रूप में, तो ये बहुत ही नेगेटिविटी देगा, घर के अंदर हेल्थ इश्यू बने रहेंगे खास करके फीमेल को। और यहाँ पे वही वापिस अगेंस्ट दूसरी नॉर्थ जोन के अंदर टॉयलेट, ये सब टूर जब वास्तु की करवाते हैं ना तो स्पेशली यहाँ पे बहुत समय देते हैं, पूरा एक दिन लग जाता है, दो चार घंटे लग जाते हैं एक एक चीज देखने के अंदर। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो अग्निकोण के अंदर इनकी किचन है, बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे भी एक इश्यू है, अग्निकोण के अंदर जब भी आप किचन बनाते हो तो जो प्लेटफॉर्म है ना वो या चाहे रेड मार्बल का, रेड ग्रेनाइट का होना चाहिए या ग्रीन मार्बल का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या गलती कर दी है, इन्होंने ब्लैक स्टोन यूज किया है। तो ये भी एक वास्तु की परिभाषा में आता है, ये नहीं चलता, क्योंकि ब्लैक कलर पानी को प्रेजेंट करता है
अग्निकोण के अंदर पानी का अस्तित्व हो चुका है और वो भी फायर के रूप, फायर के साथ, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यू रहेगी जो यहाँ पे वर्क करेंगे, यानी मींस जो फीमेल यहाँ पे रहेगी, यहाँ से एनर्जी फायर आता है। और ये फ्रिज है, फ्रिज भी उनका इस तरह से रखा हुआ, डिजाइन किया हुआ कि एग्जैक्टली फ्रिज वो फायर के सामने वो ओपन हो रहा है, तो यहाँ से शीतलता आएगी और यहाँ से ये फायर रहेगा। तो फायर और फ्रिज, ठंडक और गर्मी के बीच में इस घर की मुख्य लेडी रहेगी, जिससे उसको पेट संबंधित, स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स आएगी, उसको अनकंफर्टेबल महसूस रहेगा जीवन जीने में, पैसा है सब कुछ है पर हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रख के यहाँ पे वास्तु करेंगे। और खास उन्होंने यहाँ पे एक और मिस्टेक की है, यहाँ पे देखिए अग्निकोण के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यहाँ पे ये जो आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ये ओवरहेड वाटर टैंक है जो अग्निकोण के स्तर पे आ रही है, और यहाँ पे ईशान कोण में ओपन स्पेस है पर यहाँ पे एक स्टोर बना रखा है, वहाँ पे ईशान कोण के अंदर उन्होंने सब कुछ कबाड़ भर रखा है। ये देखिए जीवन में नहीं उपयोग आने वाली चीज़ें, ये भी हमें खाली करवानी पड़ेगी। ये देखिए ये एग्जैक्टली ईशान कोण। तो फ्रेंड्स पूरी हम जब यहाँ पे आए तो पूरा घर विजिट किया, छोटी बड़ी चीज़ें यहाँ पे देखी, बहुत ही वास्तुदोष हमें मिला है। कंस्ट्रक्शन वास्तुदोष को तो दूर कीजिए, यहाँ पे प्लेसमेंट वास्तुदोष ही हमें फेस करने को आ रहा है। यहाँ पे देखिए ईशान कोण में कचरा पोता करने का सुपड़ी, ये वॉशर, ये सब, ये बूट्स नहीं चलेंगे, यहाँ से सबको रिमूव करवाना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी अपने घर का वास्तु किसी अच्छे कंसल्टेंट से चेक करवाइए, डरिए मत। आज हमने यहाँ से कितना लिया, 20,000-10,000 विजिट का, बट आप ये देखिए कि उनको कितनी सारी चीज़ें बता दी, थोड़ा उसमें से कुछ सॉल्व कर लेंगे ना तो वो ज़िंदगी अच्छी तरह जी पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।